देश की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। आज सुबह ही दिल्ली में सीएनजी के दाम भी फिर से बढ़ गए हैं। 2.5 रुपए के करीब सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के मयूर विहार इलाके के एक सीएनजी पंप पर। सर, फिर से दिल्ली में सीएनजी के दाम 2.5 रुपए बढ़ गए। सर, ये 2.5 रुपए बढ़ चुके हैं, लेकिन इसके वजह मैं किराया भी नहीं बढ़ रहा है ना। पार्टियां मना करी, मैं किराया कहाँ से बढ़ाऊं? ये गैस क्यों बढ़ रही है? क्या दिक्कत है? दिल्ली सरकार पास पैसा नहीं है क्या? कैसे चला रहे हैं घर का बजट? वो तो मैं ही जानता हूँ, चला रहा हूँ, क्या करूँ। 8000 रुपए रेंट कमरे का, गाड़ी किस्त है, बताओ किराया बढ़ नहीं रहा, कैसे क्या करूँ। सीएनजी सर बहुत परेशान कर रही है सर, महंगाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और क्या है सर, बहुत महंगाई है की डीजल और वो पेट्रोल को छोड़ के अब तो सीएनजी पर ही है। सीएनजी कोई नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। सर, सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं दिल्ली में, 2.5 रुपए हो गए हैं, 71.61 रुपए की हो गई है। सर जी क्या करें, अब समझ लो आत्महत्या करने वाली नौबत आ जाएगी। यही हाल है, किस कहां से देंगे, न पैसे बढ़ रहे हैं, किस कहां से देंगे, और घर में जो कमाते हैं सब गाड़ी में मेंटेनेंस चार्ज हो गया सीएनजी। अब समझ लो कल शाम का निकला पड़ा हूँ, मुझे 1000-1200 रुपए काम हुआ, अभी सीएनजी भराऊंगा। जहां पहले 200-250 रुपए फुल होती थी, अब 500-600 रुपए फुल होगी। बजट गड़बड़ा गया, बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया। बजट तो ऐसा हो गया कि समझो के पास में कुछ है ही नहीं, जो मतलब जमा कुंजी तो है नहीं, जो लॉकडाउन में खत्म हो गई उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। रोज का कमाना रोज का खाना हो